हेलो क्लास एट, आज हम आपके सामाजिक विज्ञान में जो भूगोल वाला विषय है उसमें हम संसाधन एवं विकास आठ के पाठ 3 खनिज एवं शक्ति संसाधन को जानेंगे। तो देखिए, जो हमारा जो बिहार का इलाका है वो उसमें बहुत ज़्यादा खनिज पदार्थ मिलते हैं। तो धनबाद के निकट गिरी जो है वो पैतृक स्थान यानी उसके पिता का स्थान है, वहाँ जा रही थी। विशाल काले क्षेत्र को देखकर उसने पूछा, इस स्थान काला और धूल भरा क्यों है? तो उसने कहा, कोयला खदान है, जब पर कोयला निकलता है तो ये सभी खनिज कोयले को ले जा रहे हैं। तो खनिज क्या है, यानी कि जिस तरह से हम बिस्कुट में हमको आटा दूध चीनी नहीं दिखते हैं, वैसी तरह से जो हमारी पृथ्वी है वहाँ पर चट्टानों में कई पदार्थ मिले होते हैं जिन्हें खनिज कहते हैं, और ये खनिज पृथ्वी की चट्टान पर पट्टी पर सभी जगह फैले हुए हैं। खनिज यानी कि जो खान से हमको मिल रहा है, तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन हो वह एक खनिज है। और खनिज सभी स्थानों पर समान रूप से वितरित नहीं है, यानी समान रूप से नहीं मिलते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में या शैल की जो चट्टानों की होते हैं उनमें मिलते हैं, और कुछ खनिज ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो आसानी से, जहाँ हम जा भी नहीं सकते, अभिगम्य नहीं है जाना, जहाँ नहीं जाया जा सकता, जैसे आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका, बहुत ही वीरान और बर्फीली जगह है। तो खनिज जो हैं वो विभिन्न प्रकार के भूवैज्ञानिक परिवेश में ज़मीन में अलग अलग दशाओं में निर्मित होते हैं, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। अपने भौतिक गुणों जैसे रंग, घनत्व, कठोरता और रासायनिक गुणों तथा विलेयता के आधार पर पहचाने जा सकते हैं। वे खनिजों के प्रकार हैं, पृथ्वी पर 3,000 से अधिक विभिन्न खनिज और संरचना के आधार पर इनको मुख्यतः धात्विक और अधात्विक में बांटा जा सकता है। तो खनिज हैं धात्विक हैं, लौह और अलौह और अधात्विक हैं। तो शैल खनिज अवयवों के निश्चित संगठन वाले एक से अधिक खनिजों का एक समूह है। शैल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं, और 2,800 से अधिक खनिजों की पहचान की गई है, लेकिन उसमें से केवल 100 अयस्क खनिज समझे जाते हैं। धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होती है, धातु में कठोर पदार्थ हैं जो ऊष्मा और विद्युत को सुचालित करती हैं, और जिनमें द्युति यानी चमक जो होती है इनकी विशेषता होती है। लौह अयस्क, बॉक्साइट, मैंगनीज अयस्क इनके कुछ उदाहरण हैं। धात्विक खनिज लौह अथवा अलौह हो सकते हैं। लौह खनिज जैसे लौह अयस्क, मैंगनीज और क्रोमाइट में लोहा होता है, अलौह खनिज में लोहा नहीं होता, किंतु कुछ अन्य धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा या सीसा हो सकती है। अधात्विक खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, चूना, पत्थर, अभ्रक और जिप्सम इनके उदाहरण हैं। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अधात्विक हैं। खनिजों को खनन, प्रवेदन या आखनन द्वारा निष्कर्षित किया जा सकता है। तो खनिजों का निष्कर्षण, खनन, प्रवेदन और आखन। तो खनन में विवृत और कूप की खनन। तो पृथ्वी की सतह के अंदर दबी शैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया खनन कहलाती है। खनिज जो कम गहराई में मिलते हैं वो पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, यानी जो ऊपर का हिस्सा है इसे विवृत खनन कहते हैं। गहन वेधन जिन्हें कूपक कहते हैं, यानी कुएं जैसे अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुँचने के लिए बनाए जाते हैं, इसे कूप की खनन कहते हैं, यानी कूप यानी कि कुएं की तरह बना के। तो पेट्रोलियम और तो ये दिखा रखा, देखिए अब तक तेल का प्रवेदन। तो देखिए, अब कह रहे हैं कि शैल को बता देखकर बता सकते हैं, यदि वो नीले रंग का है तो उसमें क्या है, तांबा है, शैल नीला प्रतीत होगा। कह रहे तो प्राकृतिक गैस धरातल में बहुत नीचे पाए जाते हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसे प्रवेदन कहते हैं। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। तो खनिजों का वितरण किस तरह से बटे हुए हैं, विभिन्न प्रकार की शैलों में पाए जाते हैं, कुछ आग्नेय शैलों में, कुछ कायांतरित में और कुछ अवसादी शैलों में। धात्विक खनिज आग्नेय और कायांतरित शैल समूह हैं जिनमें विशाल पठारों का निर्माण होता है में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लौह अयस्क, ऑन्टोरियो कनाडा में तांबा और निकल का निक्षेप, दक्षिण अफ्रीका में लोहा, निकल, क्रोमाइट और प्लेटिनम आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाए जाते हैं। मैदानों और नवीन वलित पर्वत के अवसादी शैल समूहों में अधात्विक खनिज जैसे चूना पत्थर पाया जाता है। फ्रांस के कॉकेशस प्रदेश के चूना पत्थर निक्षेप, जॉर्जिया और यूक्रेन के मैंगनीज निक्षेप और अल्जीरिया के फॉस्फेट संस्तर इसके उदाहरण है। खनिज ईंधन जैसे कोयला और पेट्रोलियम भी अवसादी स्तर में पाए जाते हैं। तो देखिए इस तरह से बटा है, लोहा, तांबा, बॉक्साइट, ये सब संसार में देखिए। फिर है एशिया।
एशिया जो है चीन और भारत के पास विशाल लौह अयस्क हैं। महाद्वीप विश्व का आधे से अधिक टिन उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया विश्व के अग्रणी टिन उत्पादक हैं। चीन सीसा, एंटीमनी और टंगस्टन के उत्पादन में आगे है और एशिया में मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जस्ता और तांबा की भी निक्षेप है। यूरोप, यूरोप विश्व में लौह अयस्क का अग्रणी उत्पादक सबसे आगे है। रूस, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस लौह अयस्क के विशाल निक्षेप मिलते हैं। तांबा, सीसा, जस्ता, मैंगनीज, निकल खनिजों के निक्षेप पूर्वी यूरोप और यूरोपीय रूस में पाए जाते हैं। पितर उत्तर अमेरिका में खनिज निक्षेप तीन क्षेत्रों में हैं, ग्रेट लेक के उत्तर में कनाडियन शील्ड प्रदेश, अपलेशियन प्रदेश और पश्चिम की पर्वत श्रृंखलाएं। लौह अयस्क का निकल, सोना, यूरेनियम और तांबा का खनन कनाडियन स्विट्जरलैंड में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं मिलता, वहाँ पर ब्रिटेन से कमाते हैं वो लोग। तो इस तरह से अमेरिका है, देखिए उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये एशिया, ये ऊपर का हिस्सा यूरोप का, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर इस तरह से ये मिलता है। तांबा का खनन जो है कनाडियन शील्ड प्रदेश में और कोयले का अपलेशियन प्रदेश में होता है। पश्चिमी कार्डिलेरा में तांबा, सीसा, जस्ता, सोना और चांदी के विशाल निक्षेप हैं। फिर है दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील जो है विश्व में उच्च कोटि का, और दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील जो है वहाँ पे उच्च कोटि के लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है। चिली और पेरू तांबे में है। ब्राज़ील और बोलीविया विश्व में टिन के सबसे बड़े उत्पादक हैं। दक्षिण अमेरिका के पास सोना, चांदी, जस्ता, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, अभ्रक, प्लैटिनम, एस्बेस्टस और हीरा के विशाल निक्षेप भी हैं। खनिज तेल वेनेजुएला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू और कोलंबिया में पाया जाता है। तो देखिए हरा हीरा जो है दुर्लभतम, यानी कि बहुत ही मुश्किल से मिलता है। विश्व की प्राचीनतम शैलें पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में हैं। 430 करोड़ वर्ष पूर्व बने, पृथ्वी के निर्माण के मात्र 30 करोड़ वर्ष पश्चात। अफ्रीका भी जो है खनिज संसाधनों में बहुत धनी है। हीरा, सोना और प्लैटिनम विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है इन चीज़ों का। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे विश्व के सोने का एक बहुत बड़ा भाग उत्पादित करते हैं। तांबा, लौह अयस्क, क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने वाले अन्य खनिज हैं। तेल नाइजीरिया, लीबिया और अंगोला में पाया जाता है। फिर है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सोना, हीरा, लौह अयस्क, टिन और निकेल का अग्रणी यानी आगे रहने वाला उत्पादक है। तांबा, सीसा, जस्ता और मैंगनीज में भी संपन्न है। पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के कालगुर्ली और कूलगाड़ी क्षेत्रों में सोने के सबसे बड़े निक्षेप हैं। फिर है अंटार्कटिका, विभिन्न खनिज निक्षेप जो हैं पूर्वानुमान से कुछ संभवतः विशाल हैं। इनके लिए अंटार्कटिका का भूविज्ञान प्रसिद्ध है। ट्रांस अंटार्कटिक पर्वत में कोयला और पूर्वी अंटार्कटिक के प्रिंस चार्ल्स पर्वत के निकट लोहे की महत्वपूर्ण मात्रा में निक्षेपों का पूर्वानुमान किया गया है। लौह अयस्क, सोना, चांदी और तेल भी वाणिज्यिक यानी व्यापार करने लायक है। अब देखिए भारत में जो है लोहा जो है वो उच्च कोटि का है। खनिज कहाँ पर मिलते हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में। बॉक्साइड मुख्य उत्पादक क्षेत्र हैं झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अब है अभ्रक, अभ्रक मुख्यतः झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में पाए जाते हैं। अब विश्व में अभ्रक जो है, अभ्रक सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाया जाता है। भारत जो है उत्पादक भी है, निर्यातक है। निर्यातक यानी कि बाहर को बेचता है। तांबा यह मुख्यतः राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में है। मैंगनीज में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश हैं। सोने में कर्नाटक में कोलार में सोने के निक्षेप हैं। ये खाने विश्व की बहुत गहरी खानों में से एक है, तो इससे बहुत खर्चा होता है इसको निकालने में। चूना पत्थर का उत्पादन करने वाले राज्य हैं बिहार, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु। और नमक जो है वो समुद्र, झील और शैलों यानी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। और भारत नमक का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है। अब खनिजों के उपयोग, खनिजों का उपयोग कई उद्योगों में होता है। रत्नों के लिए प्रयोग किए जाने वाले खनिज प्राय कठोर होते हैं, उन्हें आभूषण बनाने के लिए विभिन्न शैलियों में जड़ा जाता है। तांबा एक अन्य धातु है जिसका उपयोग सिक्के से लेकर पाइप तक प्रत्येक वस्तु में किया जाता है। कंप्यूटर उद्योग में प्रयुक्त होने वाला सिलिकन क्वार्ट्ज से प्राप्त किया जाता है। एल्यूमिनियम जिसे उसके अयस्क बॉक्साइट से प्राप्त किया जाता है का उपयोग ऑटोमोबाइल और हवाई जहाज, बोतलबंदी उद्योग, भवन निर्माण और रसोई के बर्तन तक में होता है। तो खनिजों का संरक्षण हमने करना, उसको संभालना है।
तो खनिज जो है वो अनवीकरणीय है, यानी कि उनको पुनः नया नहीं बनाया जा सकता है, पुनः उसका रिसाइकिल नहीं होता है। तो खनिजों के निर्माण और संचयन में हजारों वर्ष लगते हैं। उसका निर्माण जो है पृथ्वी पर हजारों करोड़ों वर्षों में हुआ है, और जो मानवीय उपभोग की दर की तुलना में जो निर्माण की दर है, मानव जो उपभोग कर रहा है उसके मुकाबले जो निर्माण दर है वो बहुत ही धीमी है, और खनन की प्रक्रिया में बर्बादी को घटाना आवश्यक है। तो धातुओं का पुनर्चक्रण एक अन्य तरीका, उसको बार बार रिसाइकिल किया जाए जिससे खनिज संसाधन सुरक्षित रहे। अब है शक्ति संसाधन। तो देखिए हमारे पास बहुत सारे चीज़ें होती हैं घरों में, जैसे गीज़र है, हम प्रेस करते हैं,